Warm hello to all the learners of Mathematic Maths Adda. This is Vinay Pandey here again. Real analysis sequences का next video मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ. जो last video हमने किया था उसमें Cauchy's first theorem on limits हमने किया था. तो आज का जो video based है वो Cauchy's theorem on limits, लेकिन second theorem जो Cauchy की थी उस theorem को आज हम पढ़ने जा रहे हैं. इस theorem का proof आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप first थ्योरम Cauchy की, जब तक उस थ्योरम का प्रूफ नहीं जानते हैं तब तक ये थ्योरम आप नहीं कर सकते हैं. क्योंकि मैंने फर्स्ट थ्योरम करवा दी तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक से आप उस वीडियो का पूरा प्रूफ Cauchy थ्योरम का देख सकते हैं. तो Cauchy थ्योरम का जो फर्स्ट थ्योरम थी उस थ्योरम की बात करें तो उसका स्टेटमेंट क्या था कि इफ़ वी हैव अ सीक्वेंस एन, अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास है और इसके लिमिट जो है वो एल है, तो हमने देखा था कि इस लिमिट में अगर हम a1 प्लस a2 प्लस an करते हैं और इसको n से डिवाइड करते हैं इस सीक्वेंस में, तो ये जो नया सीक्वेंस आ रहा था इसके लिमिट भी क्या आ रही थी, l आ रही थी. ये हमने फर्स्ट थ्योरम में देखा था, काफ़ी डिटेल में इसका प्रूफ मैं करा चुका हूँ. आज का जो थ्योरम का स्टेटमेंट है, सेकेंड थ्योरम जो है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि इन्हीं दोनों थ्योरम्स पे बेस्ड जितने भी हम न्यूमेरिकल्स हैं किसी भी सीक्वेंस का कन्वर्जेंट होना या डाइवर्जेंट होना आप इन थ्योरम के हेल्प से बड़े इजीली निकाल सकते हैं. तो ये दोनों थ्योरम आप ध्यान से करें. इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि इफ़ ए एन इज़ अ सीक्वेंस सच दैट ए एन इज़ ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एक सीक्वेंस हमारे पास ऐसा है जिसके सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, जीरो से बड़े हैं, और इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है, एल है. इस सीक्वेंस की लिमिट अगर एल है तो आपको इस ए एन जो सीक्वेंस होगा इसमें ए वन ए टू ए थ्री से लेकर के एन सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसकी पावर वन अपॉन एन करेंगे तो इसकी लिमिट भी एल आएगी. यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये जो सीक्वेंस है ये एल की ओर कन्वर्जेंट हो रहा है, तो ये जो नया सीक्वेंस बनेगा ये भी कहाँ की ओर कन्वर्जेंट होगा, एल की ओर. तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम इस फर्स्ट थ्योरम का भी यूज़ करेंगे. तो हम ये मान लेते हैं कि लेट वी हैव अ सीक्वेंस जी एन, हम मान लेते हैं लॉग एन. तो हमने एक नया सीक्वेंस ले लिया जी एन, जिसको हमने मान लिया लेट जी एन बी अ सीक्वेंस सच दैट जी एन इज इक्वल टू, आप देखिए जो नया सीक्वेंस मैंने लिया है वो जो क्वेश्चन में ए एन सीक्वेंस दिया था उसी पे बेस्ड हमने एक नया सीक्वेंस जी एन ले लिया. अगर मैं इसके लिमिट निकालूं, लिमिट ऑफ जी एन, लिमिट निकालने का मतलब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट जी एन निकालेंगे तो इसका मतलब हो गया लिमिट लॉग एन, और ए एन के लिमिट एल है तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट जी एन इज इक्वल टू लिमिट, सॉरी अगर ए एन की लिमिट की बात करें तो एल है तो ये बन जाएगा लिमिट, अगर यहाँ अप्लाई करेंगे तो लॉग एल बन जाएगा इक्वेशन नंबर टू. नाउ अगर मैं अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो सीक्वेंस हमने लिया है उस सीक्वेंस जी एन के हर एक टर्म को ऐड करते हैं, जी वन प्लस जी टू प्लस जी थ्री से लेकर के जी एन अपॉन एन. अगर मैं इस टर्म की वैल्यू निकालूँ, इस सीक्वेंस की वैल्यू निकालूँ, तो आप देखिए क्योंकि फर्स्ट थ्योरम में हमने पढ़ा था कि जो इसको ध्यान से देखिए, ए एन एक सीक्वेंस हमारे पास है, ये ए एन कहाँ की ओर कन्वर्जेंट हो रहा है, एल. तो अगर इस सीक्वेंस को हम ऐड करें और इसको एन से डिवाइड करें तो ये नया जो सीक्वेंस बनेगा ये भी कहाँ की ओर कन्वर्ज होगा, एल की ओर. अब यहाँ देखिए जी एन हमारे पास एक सीक्वेंस है जो कहाँ की ओर कन्वर्जेंट है, लॉग एल. ये जी एन जो सीक्वेंस है पूरी जो इसके लिमिट है वो लॉग एल की ओर कन्वर्जेंट है. तो फर्स्ट थ्योरम का अगर हम यूज़ करेंगे तो जी वन प्लस जी टू प्लस जी थ्री से लेकर के जी एन और इसको एन से डिवाइड करेंगे तो ये जो नया सीक्वेंस है ये भी कहाँ की ओर कन्वर्ज हो जाएगा, लॉग एल. ये किसका यूज़ किया हमने, बाय Cauchy's फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स. मैंने स्टेटमेंट लिखा भी है, आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इसके पहले वाले वीडियो को डिटेल में समझ सकते हैं, इसका मैंने यहाँ पे यूज़ किया है. तो अब हम बात करें लिमिट वन अपॉन एन, जी वन कितना है, जी वन की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आप देखिए यहाँ से कितना आएगा, लॉग ए वन, जी टू की वैल्यू लॉग ए टू से लेकर के लॉग ए एन इज इक्वल टू क्या आ गया, लॉग एल. अब आगे देखिए आप, अगर लॉग की प्रॉपर्टी हम लगाते हैं यहाँ पे लिमिट
वन अपॉन एन, लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो सब मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री से लेकर के ए एन इज इक्वल टू कितना आ गया, लॉग एल लिमिट, लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये जो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है इसके पावर में चला जाएगा, लॉग ए वन इंटू ए टू से लेकर के ए एन इसकी पावर वन अपॉन एन इज इक्वल टू कितना हो गया, लॉग एल। अब आप देखिए दोनों साइड लॉग आ रहे हैं तो लॉग अगर हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट ए वन इंटू ए टू से लेकर के ए एन इसकी होल पावर वन अपॉन एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल। और यही हमको यहाँ पे प्रूफ भी करना था, तो बहुत इजी थ्योरम है सेकंड थ्योरम, सिर्फ फर्स्ट थ्योरम का हमको ये जो प्रूफ था इसका हमने स्टेटमेंट का यूज़ किया, यहाँ पे एक नया सीक्वेंस लिया उसकी लिमिट जो है वो लॉग एल की ओर कन्वर्ज हो रही थी, तो फर्स्ट थ्योरम का यूज़ किया, तो इस थ्योरम से हमको बड़े इजीली मिल गया कि ए वन से लेकर के ए एन के मल्टीप्लिकेशन की पावर वन अपॉन एन ये जो नया सीक्वेंस बनेगा ये भी कहाँ की ओर कन्वर्ज होगा, एल की ओर। तो ये थी कॉची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कोई स्टेप आपको समझ ना आए तो। देखिए सेकेंड थ्योरम पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा हुआ है, कैसे थ्योरम को अप्लाई करना है इस न्यूमेरिकल में, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके मैं आपको बता दे रहा हूँ, और बाकी आप अपने अपने बुक से अदर बुक से इनसे जितने भी इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करें। तो कैसे इसको अप्लाई करना है इसको देखिए, आप जो सीक्वेंस है वो मल्टीप्लिकेशन, आपको कैसे पता लगाना है कि फर्स्ट थ्योरम अप्लाई करनी है सेकेंड थ्योरम, अगर जनरल आइडिया देखें इसमें तो इसमें सारे टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, तो चांसेस ये हैं कि इसमें सेकेंड थ्योरम ही लगेगी। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट ए एन, ए एन हमने मान लिया एन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन, जो इसका लास्ट टर्म था इसको हमने ए एन मान लिया, ये सीक्वेंस भी बनेगा, इसके लिमिट निकालते हैं, लिमिट ए एन, तो ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वन प्लस वन अपॉन एन की पावर कितनी हो गई, सॉरी इसमें जो लिमिट है वो लिमिट लिखना मैं भूल गया, यहाँ भी आ जाएगा लिमिट वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्लास इलेवेंथ का फॉर्मूला है लिमिट का, अगर मैं इसमें लिमिट अप्लाई करता हूँ तो इसकी वैल्यू आती है ई, ये आपने पढ़ा भी होगा, तो इसका मतलब वी हैव अ सीक्वेंस एन, ये जीरो से बड़ा भी होता है, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है 2.78, तो ए एन एक ऐसा सीक्वेंस है सच दैट ए एन ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एन, क्योंकि ए एन की वैल्यू बड़ी आ रही है जीरो से, एंड जो लिमिट है ए एन की वो ई आ रही है, ए एन की वैल्यू जीरो से बड़ी आ रही है वो तो हमको यहाँ से नहीं, हमको सीक्वेंस से ही पता लग जा रहा है, क्योंकि ए एन में अगर हम एन की वैल्यू नेचुरल नंबर्स कोई भी रखते रहेंगे तो हर एक टर्म पॉजिटिव टर्म आ रहा है इसमें, तो जीरो से बड़ा भी है हर एक टर्म, और इसके लिमिट कहाँ आ रही है, एक्सपोनेंशियल पे आ रही है। तो अगर सेकंड थ्योरम का यूज़ करें हम, देयरफॉर बाय यूजिंग सेकंड थ्योरम क्या था कि अगर ए एन की लिमिट एन की ओर कन्वर्ज हो रही तो इनके मल्टीप्लिकेशन की पावर वन अपॉन एन कहाँ की ओर कन्वर्ज होगी, एल, यानी कि लिमिट ए वन ए टू से लेकर के ए एन की पावर वन अपॉन एन कहाँ की ओर कन्वर्ज हो जाएगा, वो भी ई की ओर कन्वर्ज हो जाएगा। अब ए वन कितना होगा, ए एन हमने क्या माना था, ए एन माना था हमने, एन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन माना हुआ था, ये वैल्यूज यहाँ रखते हैं, लिमिट ए वन कितना आएगा यहाँ से, एन की जगह पे वन रखेंगे तो टू अपॉन वन उसकी पावर वन, फिर आएगा थ्री अपॉन टू की पावर टू, एन की वैल्यू रखते रहेंगे इसमें तो ये आ जाएगा एन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन, और इसकी पावर कितनी है वन अपॉन एन, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई ई। और यही हमको इस क्वेश्चन में प्रूफ भी करना था, देखिए कितना इजी सॉल्यूशन बन जाता है अगर आपको थ्योरम का प्रूफ याद है, स्टेटमेंट अच्छे से याद है, तो बड़ी इजीली आप उसका प्रूफ किसी भी न्यूमेरिकल का प्रूफ कर सकते हैं जो इन पे बेस्ड होंगे। तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आप बुक से सॉल्व करें, कहीं पर भी कोई स्टेप में आपको कन्फ्यूजन लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको सिर्फ ये देखना है कि ए एन वाला सीक्वेंस हमको क्या लेना है, अगर वो ए एन जो है वो पॉजिटिव है और उसके लिमिट एल की ओर कन्वर्ज हो रही है तो ये उनके मल्टीप्लिकेशन की पावर वन अपॉन एन भी कहाँ की ओर कन्वर्ज होगा, एल की ओर, ये हमने न्यूमेरिकल की हेल्प से भी देखा।